वाइज इमोशनल हिस्टोरिकल फिल्म दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से. मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि रिजवान भाई से मेरा एसोसिएशन है, उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं. कुछ समय पहले मैंने रिजवान भाई को पूछा था कि इतना इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलता है, ये कैसे आप कर लेते हो. तो उन्होंने कहा था कि बहुत सिंपल है, ये सारा हम लोग सिर्फ हमारे माँ से सीखते हैं. निस्वार्थ तरीके से माँ कैसे देती है, माँ या तो धरती माँ या हमारे देश, हम लोग उसी सभी को हम लोग माँ से इंस्पायर हो. तो रिजवान भाई धन्यवाद, आपके साथ हमारा एसोसिएशन ऐसे ही रहे और हमेशा खुश रहे, शाइनिंग, हमेशा आप चमकते रहे और लोगों की सेवा करते रहे. अफ्रीका में ही नहीं पर इंडिया में भी आपकी काफ़ी ज़रूरत है. आई एम रियली ओवरवेल्ड कि ऐसा व्यक्ति जो हिंदुस्तान से सिर्फ $2-3 लेके जाता है और इतनी कड़ी मेहनत से अफ्रीका में और पॉजिटिव बनकर, ये मुझे पता नहीं था. क्योंकि ऐसा मानना है कि भाई अगर आपको बिजनेस करना है तो कालाधन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करने पड़ेगा, लेकिन इन्होंने इतनी पॉजिटिवली और उनकी जो दो चार बातें थी वो तो दिल को छू गई है. और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म हर घर घर में जाए, आज के यंग जनरेशन को प्रोत्साहित करें. और बताऊँ कि भाई आप उन्होंने कहा कि 200 दुकानें हैं तो 2000 क्यों नहीं, 20,000 क्यों नहीं, पर पूरे वर्ल्ड में क्यों नहीं, ये मेरा कहना है. Respected guest, normally I do not spend time on looking at some documentary film, but with little experience of Rizwan Bhai and a very touching invite he gave me, and which made me to come here, and at the end of the film, I feel I would have lost something by not coming here. It was so touching and giving you the reality show of his career and of his life. Thank you so much. और एक सरप्राइज है आप सबके लिए. सरप्राइज वो है जो मूवी में आपने देखा साजिद एंड रेशमा, जो मेरी साली थी, जो रियल साजिद एंड रेशमा कोंगो से आज खास मूवी के लिए हमारे साथ है. मैं दोनों को रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज पे आए. आज 25 साल से हमारे साथ है, ये साजिद है जिसने, रियल साजिद है वो, रोल वाला नहीं, ये मेरी साली है. और दूसरा भी हमारा नसीब अच्छा है, मेरी सास भी हाजिर है, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ. ये हमारी फैमिली और भी जो मेरे कजिन्स, मेरे नेफ्यूज है, इकबाल पटनी, महबूब जिंदानी, अकबर पोपटिया, अनवर पोपटिया, बहुत सारे ऐसे है, बट ये 4-5 लोग ऐसे जो 25 से 30 साल से हमारे साथ है. ऐसा नहीं है कि साजिद और हमने किया है, बट जो नाम दे रहा हूँ मेरे कजिन्स और नेफ्यूज और दूसरे कजिन्स भी है जिन्होंने 30-30 साल तक हमारे साथ रहे और आज भी हमारे साथ है. वो लोग हमें छोड़ के नहीं जाना चाहते. जो आज वो कंपनी चला रहे हैं वो मैं ज़्यादा ध्यान फाउंडेशन में दे रहा हूँ. तो ऐसे हमारी पूरी फैमिली का सपोर्ट है और इतनी सारी चैलेंजेस में सारी फैमिली हमारे साथ थी. तो आप लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. किसी को और फीडबैक देना है नमस्कार, मैं लेजी त्रिपाठी, आई एम एन एक्ट्रेस एंड जर्नलिस्ट एज वेल. सर आई एम वेरी ग्रेटफुल कि रियली फिल्म है या हम लाइव देख रहे हैं. सब इतने अच्छे से एक्टिंग कर रहे और कट टू कट था, कहीं पे हम बोर भी नहीं हुए, क्रिस्प था. सो आई वांट टू कंग्रेचुलेट द फिल्म मेकर,
the producer and director. Okay, congratulations to you, sir. Thank you. And so, Chris, the feeling is so amazing. Beach week, I have seen sisters in the supermarket. So, you know, Chris, everything was detailing was perfect, and we have so much to learn. Be good, and life, whatever negative happens, पॉजिटिव फीडबैक आउटकम होता है. तो इससे हमें भी इंस्पिरेशन है, सबको इंस्पिरेशन है कि अगर हम सबका भला करेंगे तो दुआओं से हम आगे बढ़ेंगे. मैंने बोला है कि ये फिल्म बिजनेस वाले के लिए, प्रोस्पेक्टिव के लिए अच्छा है, बराबर है, मगर मेरे लिए, मैं तो एक छोटा मोटा काम करता हूँ, मेरे लिए बिजनेस से ज्यादा उसमें जो कम्युनिटी ग्राउंड दिया है. और मैं तो वहां तक कहता हूं कि ये मूवी, ये छोटा सा ऑडियंस क्यों, ये बड़े बड़े थिएटर में जो फिल्म आती है, बिल्कुल चलेगा नहीं, आप रॉन्ग बोलते, चलने के लिए नहीं, ये पूरा कम्युनिटी ग्राउंड के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट से थिएटर में लगना चाहिए और बड़े पर्दे मान हर एक जगह पे चलना चाहिए. और थोड़ा मैं इमोशन से बात नहीं करता हूँ, माइक को काबू रखे करता हूँ, मैं तो वहां तक बोलता हूँ कि नेक्स्ट तो अपना पार्लियामेंट में एक क्यों सभ्य नहीं बने कि नरेंद्र मोदी के बाजू में बैठ के इंडिया में ऐसी क्रांति करे. आवाज वहां नरेंद्र मोदी के पास 3 बार जाते आए हैं, मैं बोले 30 बार जावे, मगर वहां जाके बैठक बना. तो अपना इंडिया में एक बड़ी सी बड़ी क्रांति हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है. बिजनेस के साथ जो ह्यूमैनिटी ग्राउंड बताया है, और ये जो दंगे फसा रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ 90% यानी इससे ही पक जा, इसमें सब आ गया, सब आ गया. और थैंक्स टू प्रवीण भाई सोलंकी, आज मैं तो क्लासिकल संगीत का इधर मैं सभ्य हूँ, मैं यहाँ सभ्य हूँ, मैं तो मैं संगीत का मेरे को शौक है, नाटक का बहुत शौक है, पर थैंक्स टू प्रवीण सोलंकी के वो नाटक में बोले थे 24 मई तारीख भी उनको एग्जैक्ट मालूम नहीं था, तो मुझे मालूम है, रिपीट किया 24 मई को आए ना, तो 24 मई को आप सब आना. मैं सब प्रोग्राम छोड़ के नरिमन पॉइंट से मैं नहीं आ सकता था, तो भी घाटकों पर तक मेरी गाड़ी में आया, मेट्रो पकड़ा और मैं आया तो बात करते थे. मैंने बोला मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मगर यही लगते हैं भाई साहब. तो मैं बहुत खुश होया कि मैं बिफोर टाइम आ गया, 15 मिनट बिफोर आ गया. और मुझे इन ये जो आज का प्रसंग ये देखा, मुझे ऐसा लगता है वाइब्रेशन और ये जो मूवी है, ये आप लोग तो सब जिंदगी जी लिए हैं, ये सब यंग लोगों को दिखाना चाहिए. अभी कोई राम नहीं आएगा, कोई रहीम नहीं आएगा, ऐसे ऐसे लोग हैं जो इनके आदर्श पे चलेंगे ना तो भी ठीक है. ये सब यंग लोगों के लिए, अभी मैं देख रहा हूँ, ये सब तो अपनी जिंदगी जी लिए. हाँ, ये इंसान को छूट नहीं बोलना चाहिए, मेहमान नहीं करना चाहिए, धोखे नहीं देना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं. मुझे ज्यादा तो कुछ बोलना आता नहीं. क्या आपने कहिए छे हाथी ने नहीं कहू पड़तू हाथी बनजे, सिंह ने नहीं कहू पड़तू सिंह बनजे, વાઘ ને નથી કેવું પડતું વાઘ બનજે, ફક્ત એક માણસ ને કેવું પડે છે કે તું માણસ બનજે. અને માણસ બનવાની કળા એ આ ફિલ્મે આપી છે. હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું. થેન્ક યુ વેરી મચ. I met this one play around 8 months back. I came for the first time for the screening of the movie. I just wanted to say, like, I've been working with the youth motivation projects in India and training over more than 3 million youths from last 8 months. My name is Sajan Shah. I come from Ahmedabad. I'm working with the United Nations and special youth motivation projects in India. I initiate karta hun. So I just saw like last 45-50 odd minutes. Mehraj Bhai is my colleague. I was with him. I was getting goosebumps.
एंड आई जस्ट टोल्ड राजवीर वन थिंग, अगर कभी तूफान देखना ना तो इस मूवी को दिखा देना, यूथ को 100% तूफान आ जाएगा। आई जस्ट से वन स्पेशल थिंग फॉर हिम, अकॉर्डिंग टू द केओस थियरी ऑफ मैनेजमेंट, इट एक स्पेशल लाइन है उसके अंदर, ऐसा कहा जाता है कि एक बटरफ्लाई है, एक तितली के पंख फड़कने जैसी छोटी सी घटना से दुनिया के दूसरे कोने में तूफान आ सकता है। एक बटरफ्लाई के पंख फड़कने जैसी छोटी सी घटना से दुनिया के दूसरे कोने में तूफान आ सकता है। I guess he has started that tufan now. Oh. And I wish like all the youth should see this thing. And I'm pretty much sure ki jitne bhi log dekhenge unko ek nayi umeed milegi, especially these three words, hope, courage and spark is the reflection of it. So I wish all the best to Rizwan bhai. And I wish ke jaise stores khule na aise aaj Rizwan Aditya Foundation ki duniya ke har ek corner mein khulna chahiye. Thank you so much. This must be the first occasion कि कोई भागा नहीं यहाँ से, सब लोग रिवन भाई के साथ तो बात करने को जुड़े हैं। मैं सही बोल रहा हूँ रिवन भाई? बिल्कुल बराबर है। रिवन भाई, wish you very very all the best, और आपका यह संदेश बहुत जरूरी है। और मैं आपके लिए चेयर पेश करता हूँ। सर सुनिए, हजारों साल नरगिस अपनी बेलूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से आते हैं चमन में दीदा वास्ते।